हेलो एवरीवन, इकरा इंग्लिश हाई स्कूल उनसुरत, क्लास फोर, चैप्टर नंबर थर्ड, अ ट्रिप टू भोपाल। चैप्टर नंबर थर्ड में हम अ ट्रिप टू भोपाल के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऊपर पिक्चर में जो आप स्केल देख रहे हो, उस स्केल में एक सेंटीमीटर के बीच में लाइन है, राइट? वो 10 लाइन्स है। 10 लाइन्स यानी 10 mm। 10 mm मिलकर कितना बनता है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, राइट? 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर ये 1 सेंटीमीटर जो है, ये 1 सेंटीमीटर, ऐसे 100 सेंटीमीटर जो होगा ना, 100 सेंटीमीटर, वो 100 सेंटीमीटर होगा 1 मीटर। 1 मीटर, राइट? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ये 1 मीटर जो है, 1 मीटर, ऐसे ही मीटर्स, 1000 मीटर जो होंगे, 1000 मीटर्स, वो 1000 मीटर मिलकर ये 1 किलोमीटर बनेगा। 1 किलोमीटर, राइट? 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, एंड 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब देखो, यहां पर मान लो मैंने यहां पर 5000 मीटर लिखा, 5000 मीटर, तो ये कितना किलोमीटर होगा? ये होगा 5 किलोमीटर, राइट? 5 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 5050 मीटर, तो ये क्या होगा पता है? 5000 है, तो 5000 क्या होगा? 5 किलोमीटर, एंड ये जो 50 है, एंड 50 मीटर, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो फॉर मैं यहां पर 6310 लिखता हूं, एंड मीटर, तो ये कितना होगा पता है? 6000 है, तो 6 किलोमीटर एंड 310 मीटर, 310 मीटर, राइट? चैप्टर नंबर थर्ड, अ ट्रिप टू भोपाल। टुडे सुगंधा इज वेरी एक्साइटेड। आज सुगंधा बहुत एक्साइटेड है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू भोपाल विथ द टीचर। आज उसके स्कूल के सारे बच्चे भोपाल के ट्रिप पर जा रहे हैं अपने टीचर के साथ। मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड। मिस्टर मीनाक्षी और मिस्टर राकेश डिस्कस कर रहे हैं बस के बारे में, कि उन्हें कितने बस चाहिए। तो मिस मीनाक्षी, वी विल नीड 4 बसेस। मीनाक्षी क्या कह रही है? हमको 4 बस की जरूरत है। और मिस्टर राकेश क्या कह रहा है? मिस्टर राकेश, आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5। मिस्टर राकेश क्या कह रहा है? हमको कम से कम 5 बस चाहिए। मिस मीनाक्षी, ईच बस हैज 50 सीट। मीनाक्षी क्या कह रही है? एक बस में 50 सीट होते हैं, 50 सीट्स। तो मिस्टर राकेश क्या कह रहा है? मिस्टर राकेश, लेट अस सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग। तो मिस्टर राकेश क्या कह रहा है? तो चलो हम पता करते हैं कि कितने बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, क्लास फर्स्ट के बच्चे कितने हैं? 33, एंड सेकेंड क्लास के 32, थर्ड क्लास के बच्चे 42, फिफ्थ क्लास के बच्चे फोर्थ क्लास के बच्चे 50, एंड फिफ्थ क्लास के बच्चे 53। तो कैलकुलेट करते हैं कि कितने बच्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, 3 हम टोटल करते हैं, एडिशन करते हैं, 3 2 5 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 का यहाँ पर 0, 1 1, एंड 3 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 22। आंसर क्या आया? 210, 210 चिल्ड्रंस भोपाल ट्रिप पर जाएंगे, राइट? सो देर आर अ टोटल ऑफ 210 चिल्ड्रन गोइंग। तो कितने बच्चे जाएंगे? 210। इफ दे गेट 4 बस, अगर इन लोगों ने 4 बस लिया, कितने? 4। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट? तो कितने बच्चे सीट ले पाएंगे? देखो, एक बस में कितने सीट है? 50। कितने बस? एक बस में 50, और ये 4 बस ले रहे हैं, कितने? 4। तो एक बस में अगर 50 है, तो देखो 50 × 4 तो क्या होगा? 200। कितना? 200। देखो यहां पर 5 4 20,
एंड ये जीरो, 200। अगर ये लोग फोर बस लेंगे तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे? 200, राइट। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट? तो कितने बच्चे विदाउट सीट के रह जाएंगे? तो देखो 200 फोर बस है और 200 सीट होगा और बच्चे हैं 210, तो कितने बच्चे विदाउट सीट रहेंगे? तो 10। कितने बच्चे? 10।